हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर देखने वाले। हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स टॉपिक शुरू था और बॉन्ड पैरामीटर्स का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हमारा आज का जो बेसिक इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। इसको हमने कल भी ट्रिपल स्टार किया हुआ है। बॉन्ड एंथैल्पी जो है इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन इन चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। एक बार ध्यान से समझना है वॉट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। अब सपोज आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, सपोज ए डैश ए, ठीक है, एंड दिस मॉलिक्यूल इज सपोज इन गैशियस स्टेट। ये मॉलिक्यूल हमारा गैशियस स्टेट में है। जब भी हम मॉलिक्यूल की बात करते वी टॉक अबाउट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। वन मोल, वन मोल की क्वांटिटी अगर आपने देखे तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 6 × 10³ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन वन मोल 6 × 10³ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। आपके पास में एक मोल मॉलिक्यूल है ए का, जिसके बीच में दो, जिसमें दो एटम्स हैं एंड दिस टू एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल को, इनके बीच के जो बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए यू आर अप्लाइंग हीट। आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, दोनों एटम्स के बॉन्ड तोड़ने के लिए यू आर अप्लाइंग हीट। अब हीट अप्लाई करने के बाद में आपका जो मॉलिक्यूल है, वन मोल मॉलिक्यूल गेट डिसोसिएट इन टू रिस्पेक्टिव एटम्स। अब ये जो एनर्जी है जो आप एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए लगा रहे हो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं क्योंकि आपने बॉन्ड को क्या कर दिए, तोड़ दिए, तो इसके लिए इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। अब ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसको हम मेजर करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हम कांस्टेंट प्रेशर पे ये जो एनर्जी लगेगी हमारे को वो हम मेजर करेंगे। व्हेन यू मेजर द एनर्जी अप्लाइड टू अ मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट प्रेशर तो उस एनर्जी को एंथैल्पी बोला जाता है। दैट एनर्जी इज रेफर्ड एज एंथैल्पी। ठीक है, वो एनर्जी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब क्या रहता है। एंथैल्पी इज एनर्जी विच इज कंसिडर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब जब प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होती रही और वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर पे जब आप एनर्जी चेंज मेजर करते या एनर्जी की वैल्यू मेजर करते तो उसको थर्मोडायनामिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जो टर्म दिया जाता है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। एंड दिस एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। एच इज द सिंबल फॉर एंथैल्पी। रिएक्शन के दौरान जब भी हम बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं एंड द टोटल एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। डेल्टा एच इज बेसिकली चेंज इन एंथैल्पी। तो व्हाट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या रहेगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन ऐसा है, द एनर्जी द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स इंटू रिस्पेक्टिव एटम्स। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल इंटू रिस्पेक्टिव एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी का सिंपल सिंपल सा डेफिनेशन है, आपका जो गैशियस मॉलिक्यूल है जिसकी क्वांटिटी 1 मोल, वो गैशियस मॉलिक्यूल को अगर आप तोड़ रहे, आप क्या कर रहे, बॉन्ड तोड़ रहे, और कोई भी बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगाना पड़ती है, जैसे रिश्ते तोड़ने के लिए चुगलियाँ करनी पड़ती है, तो ऐसे ही बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगाना पड़ेगी। द एनर्जी इज टू बी अप्लाइड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। फॉर अ
मॉलिक्यूल विच इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी जो रहेगा उसकी वैल्यू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल ही रहती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एंथैल्पी आर वन एंड द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पैरामीटर है। तो अगर एक गैसियस मोल है और उसको आपको तोड़ना है उसके रिस्पेक्ट टू एटम्स में, और एटम्स तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेंगी, सॉरी बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। अगर आपके पास है मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा उतनी एनर्जी आपको लगाना पड़ने वाली है। अगर सपोज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ली है आपने, इफ़ यू कंसिडर N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको तीन बॉन्ड तोड़ना पड़ेंगे, और ये तीन बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती। एनर्जी इज नियर अबाउट 936 किलो जूल, 936 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी लगती है। वही अगर सपोज आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में H2 में ये जो बॉन्ड अगर आपने तोड़े, ये बॉन्ड अगर आपने तोड़े तो ये तोड़ने के लिए आपको नियर अबाउट 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगेगी। इफ़ यू सी द डिफरेंस इन एनर्जी, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि जितने ज़्यादा बॉन्ड्स रहेंगे दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उतना ही ज़्यादा आपको एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया बेसिक पॉइंट। अब कभी कभी ऐसे मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर में, वाटर का जो मॉलिक्यूल है इट इज़ अ हीटेरो मॉलिक्यूल। हीटेरो मॉलिक्यूल का मतलब ये कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है। हीटेरो मॉलिक्यूल इज दैट, हीटेरो मॉलिक्यूल इज दैट विच हैज मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। ये जो मॉलिक्यूल ये हीटेरो है, H-O-H। अब हीटेरो मॉलिक्यूल्स में सपोज आपने क्या करी, ये बॉन्ड तोड़े। हमेशा याद रखो जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, द बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन स्टेप वाइज मैनर में बॉन्ड टूटते हैं। मतलब ऐसा होता कि पहले ये बॉन्ड टूटेगा या फिर ये बॉन्ड तोड़ सकता है, नहीं तो ये भी बॉन्ड टूट सकता है। इनकेस अगर ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए सपोज एनर्जी लग रही है आपको 500 किलो जूल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं। अब जैसे ये मॉलिक्यूल टूट, यानी बॉन्ड टूटेगा, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा OH- और H+ में। अब O और H का बॉन्ड आपको तोड़ना है फिर से। जब आप ये OH बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये OH बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेंगी इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इज रिक्वायर्ड इन फर्स्ट केस। मॉलिक्यूल्स में जैसे ही एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटने के बाद में क्या हो जाता कि जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो मॉलिक्यूल की वो बदल जाती है। जैसे जैसे एक नॉर्मल आदमी है, उसके दो हाथ है। अब एक हाथ आपने तोड़ दिए, ठीक है, अगर सपोज आप हाथ तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, रेट चार्ट के हिसाब से 10,000 रुपये में एक हाथ तोड़ रहे हैं आप, आपने एक हाथ तोड़े किसी का, तो एक हाथ, पहला हाथ जो है वो तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेंगी। क्यों? क्योंकि आदमी आपको, सामने वाला भी बावला थोड़ी ना, वो भी आपको हाथ पैर चलाएगा ना, दोनों हाथ मारेगा आपको, पैर से भी मारेगा, हो सकता सर से भी मारे। तो बेसिक पॉइंट ये है कि आपको पहला हाथ तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे आपने एक हाथ तोड़ दिए, ये हाथ अगर आपको तोड़ना है, ये हाथ तोड़ने के लिए आपको पहले जितनी एनर्जी लगी थी ना उतनी एनर्जी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब वो घायल हो जाएगा, अब वो आपको एक हाथ नहीं है तो ज़्यादा लड़ नहीं पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी आप बॉन्ड तोड़ दे मल्टीपल बॉन्ड्स में, जो मॉलिक्यूल में हीटेरो मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स है, एटम्स भी दो से ज़्यादा है, तीन या तीन से ज़्यादा एटम्स अगर जिनमें है मॉलिक्यूल में, उनके बॉन्ड स्टेप वाइज मैनर में टूटते, तो जो बॉन्ड तोड़ने के लिए पहले केस में जितनी एनर्जी लगेंगी सेकेंड केस में उतनी एनर्जी नहीं लगती, उससे कम एनर्जी लगती है जनरली।
आप ऐसा बोल सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कभी कभी एनर्जी ज़्यादा भी लगे, घायल शेर ज़्यादा ये हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। याद रखने के लिए बेसिक पॉइंट ये, दोनों केस में एनर्जी जो है वो सेम नहीं रहेगी, दोनों केस में आपको एनर्जी अलग अलग लगने वाली है। एज एनर्जी इन द बोथ केस, एनर्जी इन बोथ द केसेस, एनर्जी इन बोथ द केसेस रिक्वायर्ड इज डिफरेंट। अब सपोज इसकी एनर्जी हम ले रहे 450 साढ़े 400 किलो जूल पर मोल, ये आर्बिटरी वैल्यू है, इसका 500 एंड समथिंग आता है, इसका 460 कुछ आता, बट अब कैलकुलेशन इजी जाना, इसके लिए मैं 500 और 450 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा। पहले बॉन्ड तोड़ने में 500 किलो जूल एनर्जी लगी, दूसरा बॉन्ड तोड़ने में 450 किलो जूल एनर्जी लगी सपोज। तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाती है? बॉन्ड एंथैल्पी फॉर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। इनको हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कंसिडर करते हैं। ये जो एंथैल्पी, इसको हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, इसको सपोज आपने ली H1, इसको सपोज ली H2, तो H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी द टोटल एनर्जी। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी हम कंसिडर करते ना, दैट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2, पहले की वैल्यू है 500, तो 500 प्लस 450 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर नियर अबाउट 475 किलो जूल पर मोल आएगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी याद रखना है, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। नॉर्मली अगर सपोज एक ही बॉन्ड है तो जो एनर्जी आपको बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोल देते हैं डायरेक्ट। बट अगर सपोज आपका मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल में दो या उससे ज़्यादा बॉन्ड है, तीन या उससे ज़्यादा एटम्स के बीच, तो बॉन्ड्स हमेशा स्टेप वाइज मैनर में टूटे जाते हैं या तोड़े जाते हैं। बॉन्ड्स आर ऑलवेज ब्रोकन इन स्टेप वाइज मैनर। तो हर एक बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेंगी दैट विल बी डिफरेंट। हर एक बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेंगी वो डिफरेंट रहेंगी, और ये डिफरेंट जो एनर्जी हमारे को लग रही, तो इसके लिए हम क्या करते, अपन ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि पहले बारे में 500 लगे, दूसरे में 450, ऐसा नहीं बोलते हम। हम क्या बोलेंगे, द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर इज 475, मतलब हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कंसिडर करते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी में दो टर्म याद रखना है, नॉर्मल बॉन्ड एंथैल्पी एंड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी पे 12th में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीन चार एंथैल्पीज की वैल्यू देंगे आपको और पूछा जाएगा व्हाट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी सम, आपने सब एंथैल्पीज को सम कर देना डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन। अब आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ साथ स्ट्रेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स पे भी डिपेंड करता। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, अगर सपोज दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, और ये एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, और दो दोस्त रोज मिलते, रोज साथ में रहते और नज़दीक रहते हैं, तो दोनों के रिश्ते में से कौन सा रिश्ता बहुत इजीली तोड़ते आ जाएगा जो दूर रहते हो? क्योंकि दूरियां बढ़ने से रिश्ते कमज़ोर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, दूरियां जब भी बढ़ती है तो उससे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपके पास में अगर सपोज बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है तो वो बॉन्ड को तोड़ना बहुत ईजीली हो जाता। वेन एवर देर इज गैप बिटवीन टू पीपल देन इट इज़ मोर इजी टू ब्रेक देयर बॉन्ड, इफ अटैचमेंट इज मोर देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू पर्सन। जैसे हमारी दुनिया में केस होता है वैसे इनके इनमें भी केस होता है। जितने नज़दीक आपके एटम्स रहेंगे उतनी ही ताकत आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा रहेगी, या बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा रहेगी इफ बॉन्ड्स आर क्लोजर, यानी अल्केन अल्किन अल्काइन। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते, बॉन्ड नज़दीक हो रहे थे, बॉन्ड लेंथ 120 है, अल्केन की बॉन्ड लेंथ 154 है, तो आपको अल्काइन के बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। तो जितने नज़दीक हमारे बॉन्ड्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा। अपन ऐसा बोल सकते, लेंथ ऑफ बॉन्ड इफ लेस विल रिक्वायर मोर बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ।
bond enthalpy is inversely proportional to bond length and is directly proportional to bond order. More the bond order, more is the bond enthalpy. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है? ये हो गया हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का टॉपिक, ये हो गया बॉन्ड पैरामीटर्स। अब हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर करेंगे दैट इज पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको हम बोलेंगे पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। अभी पोलार कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। What is called as polar covalent bond? अब suppose आपके पास एक molecule है जैसे कि hydrogen। Molecule is hydrogen, एक bond है hydrogen के बीच में। Second molecule है suppose आपके पास nitrogen, एक molecule nitrogen का जिसमें दो atom है nitrogen के। तीसरा molecule है HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। और चौथा मॉलिक्यूल है सपोज क्लोरीन का। अब ये चार मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों एटम्स एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और ये हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 होती है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो मैं आपको बता रहा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम का 2.1 रहता। यानी ये जो हाइड्रोजन एटम है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींचने की ताकत 2.1 है और ये हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत 2.1 है। अब ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन इधर से खींचेगा और ये हाइड्रोजन भी इधर से खींचेगा। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एक कॉम्पिटिशन लग जाएंगी। ये भी 2.1 ताकत से खींच रहा, ये भी 2.1 ताकत से खींच रहा। तो आपका जो मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी के अकेले के पास ट्रांसफर होंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉन्ड यानी दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सेम है। अब अगर आप देखेंगे ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज 3 नाइट्रोजन एटम की। नाइट्रोजन एटम्स के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे। ये नाइट्रोजन एटम ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। और ये नाइट्रोजन एटम का न्यूक्लियस ये 3 इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा तो ये नाइट्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएंगे क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ये नाइट्रोजन एटम ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींच सकेगा और ये भी नाइट्रोजन ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की खींचने की ताकत टग ऑफ वॉर चालू है दोनों के बीच, दोनों की ताकत सेम लगी हुई है। जब दोनों की ताकत सेम लगी हुई रहती ना तब आपके इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाते नहीं है। अब थर्ड केस देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.1, नाइट्रोजन और क्लोरीन नियर अबाउट सेम रहता, 3.1 हम क्लोरीन का ले रहे हैं, हाइड्रोजन की 2.1। इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्या होता, न्यूक्लियस जो क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होने वाला है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये किसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले वो हम चेक कर रहे हैं। इसका जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा कितने ताकत से? 3.1। और ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा उसकी ताकत है 2.1। तो ताकत टग ऑफ वॉर में किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की। अगर सपोज मैं हाइड्रोजन और सामने क्लोरीन तो मैं किसके पास खींचा चले जाऊंगा? क्लोरीन के पास। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की खींचने की ताकत ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड में के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खींचे चले जाएंगे टूवर्ड्स क्लोरीन और क्लोरीन पे जनरेट हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे जनरेट हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पे जनरेट हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे जनरेट हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं
पूरे इलेक्ट्रॉन इसने लिया नहीं है, सिर्फ खींच रहा ऐसा। इसके जो बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं, क्लोरीन के तरफ, और हाइड्रोजन के पास में कम है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे, इसके लिए इस पे जनरेट होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे जनरेट होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है इसको हम पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, इसे पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अगर आप ये देखेंगे इसमें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन खींचे जाने की शक्यता नहीं है, इसके लिए इसको हम नॉन पोलार बॉन्ड बोलेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलार, फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलार, एचसीएल मॉलिक्यूल इज पोलार, उस पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस जनरेट हो गए। फिर अगर सपोज आपने फ्लोरीन कंसिडर करें, इफ यू कंसिडर फ्लोरीन एफ एफ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4, इसकी भी वैल्यू है 4। ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, ये फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्योंकि दोनों की टक्कर सेम है, दोनों की खींचने की ताकत सेम है, इसके लिए ये वाला बॉन्ड भी नॉन पोलार रहेगा। दिस बॉन्ड विल ऑल्सो बी नॉन पोलार। अगर सपोज आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए एच एफ, तो ये बॉन्ड पोलार रहेगा या नॉन पोलार? बहुत सिंपल है, हम सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 2.1। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स्ड होती है और उसकी वैल्यू होती है 4। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास खींचता है, किसके? हाइड्रोजन के। जैसे फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खुद के पास खींचेगा, उस पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। डेल्टा नेगेटिव चार्ज विल बी जनरेटेड ऑन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी ताकत बहुत है इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खुद के पास खींचेगा और उस पर जनरेट हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो एच एफ का बॉन्ड है इसमें कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है, हमेशा याद रखो, इफ इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, डिफरेंस इन ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज 1.7, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज 50, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज 50। एच एफ का अगर आप बॉन्ड देखेंगे, फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4 और हाइड्रोजन की 2.1, इनका डिफरेंस 1.9 है, विच इज मोर देन 1.7। इसलिए आपका जो एच एफ है, एच एफ का मॉलिक्यूल है, उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% और उससे ज़्यादा रहेगा। एच एफ इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बट इट हैज आयोनिक कैरेक्टर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इसमें आयोनिक कैरेक्टर हल्का सा आ रहा है और इसका जो आयोनिक कैरेक्टर है दैट इज मोर देन 50%। 1.7 अगर डिफरेंस आता है तो दैट इज 50% आयोनिक, कोवेलेंट बॉन्ड में 50% आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड प्योर भी रहते हैं और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं जिनमें आयनिक कैरेक्टर भी आता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आता है उनको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आ रहा बेसिक पॉइंट समझ में? तो देर आर प्योर आयनिक बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। देर आर ऑल्सो सम बॉन्ड्स विच हैव कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनमें आयोनिक कैरेक्टर है, ये वाला सॉरी, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इनमें आयोनिक कैरेक्टर है इन कोवेलेंट बॉन्ड। और जब डिफरेंस की वैल्यू 1.7 या उससे ज़्यादा रहेगी तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 50 या उससे ज़्यादा होता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे हम डायपोल मोमेंट टॉपिक समझने वाले हैं। ठीक है, चलो इतना पॉइंट लिख के रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।